ऑलराइट, तो गाइस नॉइस की तरफ से न्यू स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ है, नॉइस कर्फिट कैलिबर 2 होने वाला है। इससे पहले कैलिबर आया था, ये कैलिबर 2 होने वाला है। अभी इसी के बारे में हम बात करेंगे, ये जो स्मार्ट वॉच आपके लिए कितना बेटर होने वाला है या आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला है, सभी चीज आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास यहाँ पे दो कलर है, मिड नाइट ब्लू और एक यहाँ पे लाइट लेवेंडर होने वाला है। तो लाइट लेवेंडर को ही कट करते हैं, यहाँ ब्लू तो मैं ऑलरेडी पहन रखा हूँ। तो आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाएंगे जिसमें वारंटी कार्ड, स्टिकर और इसके बाद गाइस एक आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, जो नॉर्मली सभी नॉइस के स्मार्ट वॉच में आते हैं वही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो लेवेंडर कलर है, यस, ये काफ़ी यूनिक लग रहा है। तो गाइस बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन का। तो ये जो स्मार्ट वॉच है, सबसे पहले इसका जो डायल है ये आपको मेटल फिनिश में देखने को मिल जाएगा और ये पूरा फ्लैट डिजाइन होने वाला है। अभी तक आपने जितना भी स्मार्ट वॉच देखा है फ्लैट डिजाइन में तो नहीं देखा होगा, बट ये फ्लैट डिजाइन में होने वाला है। तो थोड़ा यूनिक लगता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो स्लिम सा डिजाइन है और यहाँ पे जो स्ट्रैप का क्वालिटी है ये मैं बोलना चाहूंगा काफी अच्छा यहाँ पे दिया है। यहाँ पे जो लॉकिंग सिस्टम है ये प्लास्टिक का होने वाला है और जो डायल है ये भी आपको प्लास्टिक का ही देखने को मिलता है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ 1.83 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और राइट साइड में एक बटन है जो इसका मल्टी फंक्शन बटन होने वाला है। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, पूरा क्लीन है। बैक साइड में देखोगे तो दो सेंसर SPO2 और हार्ट रेट के लिए दिया गया है। चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है और ये जो स्ट्रैप है इसे आप चेंज भी कर सकते हो, बट आई थिंक ये जो स्ट्रैप है इस लेवेंडर के साथ काफी अच्छा लग रहा है और ब्लू कलर मैंने ऑलरेडी पहन रखा है तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे रिस्ट पे आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा स्मार्ट वॉच, क्योंकि ये जो फ्लैट डिजाइन होता है ये थोड़ा यूनिक लगता है और जो आते हैं उससे थोड़ा अलग लगता है, तो काफी अच्छा लगने वाला है। ऑलराइट, तो गाइस बात करते हैं डिस्प्ले का। तो ये जो स्मार्ट वॉच है इसमें मिलता है आपको 1.83 इंच का TFT डिस्प्ले। अब जो यहाँ पे डिस्प्ले का कलर है ये आपको थोड़ा डिसेंट सा लगेगा। यहाँ पे जो प्राइस ब्रैकेट है ये भी काफी कम है, तो डिस्प्ले वगैरह मैं बोलना चाहूंगा ठीक है इस प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे मैंने आउटडोर में भी गया था, आउटडोर में भी आप टाइम वगैरह देख सकते हो। डायरेक्ट सन का लाइट अगर स्मार्ट वॉच में पड़ता है थोड़ा दिक्कत होगा, शेड वगैरह लेना पड़ेगा, बट अगर आप इंडोर में टाइम वगैरह देखते हो तो आपको अच्छा लगेगा। यहीं पे मैं कलर का बात करूं तो कलर आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको कलर देखने को मिलेगा। टच रिस्पॉन्स यहाँ पे काफी अच्छा है और इसका UI का बात करूं तो जैसे ऊपर से नीचे करोगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह शो करते हैं, नीचे से ऊपर करोगे तो शॉर्टकट वगैरह जैसे कि आप यहाँ पावर सेविंग मोड हो गया, D&D हो गया, सेटिंग में जा सकते हो, लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप करने पर आपको और भी फंक्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो, SPO2, हार्ट रेट, एक्टिविटी वगैरह। इसके बाद जैसे ये मल्टी फंक्शन बटन है, इसे अगर आप प्रेस करते हो तो नॉइस, हेल्थ, क्लॉक, वर्कआउट, म्यूजिक, वेदर, ये सब आपको शो करेगा, तो इस तरह से आपको देखने मिल जाएगा। तो UI वगैरह भी काफी अच्छा है, बट जो कलर है ये थोड़ा आपको डिसेंट लेवल का ही देखने को मिलेगा। अब गाइस बढ़ते हैं इसके ऐप UI की तरफ। तो यहाँ पे जो ऐप से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो, नॉइस फिट ऐप आपको डाउनलोड करना है। अब गाइस नॉइस फिट जो ऐप है ये काफी सिंपल सा ऐप है, जैसे होम में रहोगे तो आपको पूरे दिन का जो आप किए रहोगे, रनिंग किए हो या कैलोरीज कितना बर्न किए हो ये शो करते हैं। इसके बाद आपको माई डिवाइस में आना है, यहाँ पे स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है, वॉच फेस वगैरह आप चेंज कर सकते हो, कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो और भी आपको बहुत अलग अलग टाइप के वॉच फेस देखने मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन में आओगे, नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इसमें इसका व्हाट्सएप का। इसके बाद कॉल अलर्ट में आकर कॉल अलर्ट को ऑन कर लेना, किसी का कॉल आता है तो आप वो देख सकते हो, ओके। इसके बाद आपको माई अलार्म क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है तो क्विक रिप्लाई भी आप कर सकते हो। स्टॉक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है बट स्मार्ट वॉच में नहीं है, तो ये इसका एक डाउनग्रेड है क्योंकि यहाँ पे इसमें भी देना चाहिए, ऐप में यहाँ पे दिया गया है। तो फाइंड माई डिवाइस है, कैमरा सेटर, डिवाइस सेटिंग, ये सब दिया गया। तो गाइस ये जो नॉइस फिट ऐप का UI है ये आपको काफी सिंपल और अच्छा देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस बढ़ते हैं अगले फीचर की तरफ। तो यहाँ पे आपको कॉल का नोटिफिकेशन आता है जिसमें आप कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, इसके बाद आप चाहो तो क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो और म्यूट भी कर सकते हो, कॉल रिसीव करके बात नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच नहीं है। इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको मिलता है म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन, म्यूजिक को आप कंट्रोल कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस, वॉल्यूम को रेज और डाउन कर सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पे मिलता है कैलकुलेटर का ऑप्शन, तो कैलकुलेटर दिया गया है तो मैथ का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस बात करते हैं यहाँ पे हेल्थ ट्रैकिंग एंड स्पोर्ट्स मोड का। तो इसमें आपको 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं जिसे आप यूज कर सकते हो और जो भी वर्कआउट आपको करना है आप कर सकते हो, जैसे रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ये सब दिया गया है। और स्पोर्ट्स मोड दिया गया है तो IP रेटिंग यहाँ पे आपको IP68 का दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर बारिश भी हो रही है आउटडोर में तो आराम से पहनकर स्मार्ट वॉच को यूज कर सकते हो। ऐसे मैं तो यहाँ पे टैप के सामने डायरेक्ट रख दिया हूँ तो टेस्टिंग में पास हो गया है, ओके। अब गाइस यहाँ पे SPO2, हार्ट रेट और स्ट्रेस मॉनिटर दिया गया है इसके हेल्थ ट्रैकिंग फीचर में। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ पल्स मीटर के हेल्प से, तो यहाँ पे डेटा आप देख सकते हो, काफी सिमिलर सा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा।
अब गाइस बात करते हैं ये स्मार्टवॉच के बैटरी लाइफ के बारे में। तो इसका जो बैटरी है यहाँ पे जैसा कंपनी का कहना है ये आपको अप टू 12 डेज का बैटरी देता है। ये कॉलिंग वॉच नहीं है तो बैटरी यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा मिलने वाला है, 10 दिन मिनिमम आपको देखने को मिल जाएगा, बट एक लिमिटेड यूज पे ही। आप पूरे पूरे दिन स्मार्टवॉच यूज कर रहे हो तो बैटरी आपको वही 4 से 5 दिन देखने को मिलेगा, और थोड़ा लाइट यूज कर रहे हो, टाइम देख लिए, कभी कभी हार्ट रेट ऑन कर लिए, तो आपको बैटरी यहाँ पे अप टू 10 to 12 डेज का देखने को मिल जाएगा। चार्ज करने में वही 1 घंटे के आसपास लगेगा, तो चार्ज भी जल्दी हो जाता है और यूज कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं ये जो स्मार्ट वॉच आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो देखो अगर आपको इस तरह का डिजाइन वाले स्मार्ट वॉच लेने हैं तो आप ले सकते हो, स्टेप क्वालिटी अच्छा है और दिखने में अच्छा लगता है। कॉलिंग नहीं दिया गया है तो अगर आपको कॉलिंग में जाना है तो कोई और नॉइस के स्मार्ट वॉच ले सकते हो, ऐसे डिजाइन वाइज काफी अच्छा लगता है तो इसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो गाइस इस स्मार्ट वॉच का प्राइस और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है तो वहां से आप बाय कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, माइनर क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी भरो, जो भी आपका डाउट है ओके जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।